हरमिंदर साहिब दैट इज द स्वर्ण मंदिर छीना गया, फिर गुरुद्वारा पंजा साहिब कब्जाया गया, जिसके विरोध 5 से 6 हजार लोगों ने गुरुद्वारा घेर लिया जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक हटाया, फिर गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा तरन तारण साहिब आदि महंतों पर आरोप लगाया गया पुलिस के सहयोग से और उन्हें कब्जाया गया। परंतु वही राम कुमार दाढ़ी मूंछ और पगड़ी रखकर राम सिंह बनकर नौकरी पा सकता था। खालसा सिखों की प्रबंधक कमेटी का विचार भी मैकलिफ ने रखा। अक्सर ही सोशल मीडिया ते होर माध्यमां राहीं कुछ शरारती अंसरां वल्लों धर्म अते जात दे नाते नफरत फैलाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जांदीआं ने अते इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश कीता जांदा है। कुछ इसे तरह दा इक लड़की दा वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी दिनां तों वायरल हो रहा है, जिस विच इक लड़की सिख धर्म अते सिख इतिहास दे तत्थां नूं कुछ इस तरह पेश करदी है। नमस्ते, मैं उपाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि सिख पंथ में अलगाववाद कैसे फैलाया गया। सिख हिंदू नहीं होते, यह फर्जीवाड़े को सबसे पहले गठने वाला इंसान था मैक्स ऑथर मैकलिफ। यह गुरुमुखी का विद्वान भी था जिसने गुरु ग्रंथ साहिब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। मैक्स ऑथर, जिसने सिख पंथ को एक धार्मिक संस्था का रूप दिया था, उसका क्या विचार था रिगार्डिंग हिंदुइज्म? I am just quoting what he thought about Hinduism, and this is information that has again come to my office. I am just sharing this information with you. Max Author मैकलिफ के हिसाब से हिंदू धर्म भारतीय जंगलों का बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर था। बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर इज एन अमेरिकन स्नेक। ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सर्प है, कभी कभी 20 या 30 फुट का लंबा होता है। जब एक छोटा विरोधी इसकी चिंता का प्रतीत बन जाता है तो यह अपने प्रतिद्वंदी के चारों ओर घूमता है, इसे अपने लपेटे में ले लेता है और आखिरकार इसे अपनी विशालता में गायब कर देता है। सो दिस इज व्हाट दिस गाय थॉट अबाउट हिंदुइज्म। अभी भी तुलनात्मक रूप से यह युवा धर्म जीवन के लिए एक सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, he's talking about Sikhism, लेकिन इसका अंतिम विनाश यह है कि इसे राज्य समर्थन के बिना अपरिहार्य माना जाता है। Max Arthur मैकलिफ 1864 में इंडियन सिविल सर्विस से पंजाब आए थे। 1882 में यह पंजाब के डिप्टी कमिश्नर बने। उसने देखा कि सिख एक मार्शल कॉम है, इसलिए सिख आर्मी के लिए उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने पंजाब में आर्मी की नौकरी में सिखों के लिए आरक्षण शुरू किया। यस, ही स्टार्टेड रिजर्वेशंस फॉर सिख्स इन आर्मी ऑफ इंडिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी राम कुमार सरकारी नौकरी नहीं पा सकता था। परंतु वही राम कुमार दाढ़ी मूंछ और पगड़ी रखकर राम सिंह बनकर नौकरी पा सकता था। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू लाइवलीहुड, कैसे लोगों को उनकी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उस टाइम पे मैक्स ऑथर ने आरक्षण के जरिए कन्वर्ट किया फ्रॉम हिंदूज टू सिख्स इज व्हाट इज सेंट टू मी। तो आज के टाइम पे भी पॉलिटिशियंस
नेता आरक्षण के नाम से इनोसेंट इंडियंस को गुमराह करते हैं और अपने आप को सत्ता में रखते हैं और सारा पैसा खुद अपनी फैमिली के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर इन पावर दे डू एज मच एज करप्शन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और ईडी उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर छापा मारती है। उस समय तक इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता था, जिस तरह से रामकुमार पगड़ी और मूंछ रखकर राम सिंह बनकर नौकरी लेता था आर्मी के अंदर। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब में सिख पॉपुलेशन 1881 से 1891 के बीच 8.5% बढ़ी, 1891 से 1901 तक 14% बढ़ी, 1901 से 1911 तक 37% बढ़ी और 1911 से 1921 तक 8% बढ़ी। इनके पंजाबी के ट्यूटर थे कन्हा सिंह नाभा, जिन्होंने 1889 में हम हिंदू नहीं नामक पुस्तक लिखी और इसकी फंडिंग, यस ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो बुक्स आती है, ये जो फिल्म्स आती है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? इसकी फंडिंग मैकलिफ ने करी। मैकलिफ फंडेड अ बुक रिटन बाय हिज ट्यूटर कन्हा सिंह नाभा व्हिच वाज हैविंग अ हेडिंग कि हम हिंदू नहीं। 1909 में खुद मैकलिफ साहेब ने सिख रिलीजन इट्स गुरुज सैक्रेड राइटिंग्स एंड ऑथर्स नामक पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका में इन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से इन्होंने खालसा पूजा पद्धति आरंभ की और सिखों के लिए आर्मी में अलग शपथ परंपरा की शुरुआत करी। दिस इज हाउ पीपल हैव बीन डिवाइडिंग द भारतीयर्स सिंस सो मेनी इयर्स एंड कांग्रेस वाज डूइंग द सेम थिंग। महंतों गुरुद्वारों और दरबार महंतों और साधुओं के देखरेख में होते थे, मतलब इस समय तक, जब तक आई थिंक इन द टिल द 1909 गुरुद्वारों के लिए महंतों और हिंदू पुरोहित की जगह खालसा सिखों की प्रबंधक कमिटी का विचार भी मैकलिफ ने रखा। इन गुरुद्वारों से जुड़ी हुई होती थी जमीन और संपत्ति। So it all boils down to money, जमीन, संपत्ति। 1920 के शुरुआत से महंतों से गुरुद्वारों को छीनने का सिलसिला शुरू किया गया। इसके लिए महंतों पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें बदनाम किया गया, जनता में उनके खिलाफ छवि बनाई गई। How did गुरुद्वारास get snatched away from महंतों? Is what is being said now by me। महंतों के खिलाफ एक साजिश करी गई। सबसे पहले बाबे दी बैर गुरुद्वारा सियालकोट, जो एक महंत की विधवा की देखरेख में था, बलपूर्वक कब्जाया गया। फिर हरमिंदर साहिब, दैट इज द स्वर्ण मंदिर, छीना गया। फिर गुरुद्वारा पंजा साहिब कब्जाया गया। के विरोध 5,000 से 6,000 लोगों ने गुरुद्वारा घेर लिया, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। फिर गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा तरन तारण साहिब आदि महंतों पर आरोप लगाया गया पुलिस के सहयोग से और उन्हें कब्जाया गया। इन कब्जों के लिए महंतों को पीटा गया, उनकी हत्याएं भी करी गई, जिसके लिए बकायदा बब्बर अकाली नामक दल का गठन कर मूवमेंट चलाया गया। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन।
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭਸੇ ਅਧਿਕ ਬੜਾ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਥਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਜਸਰ ਨਾਭਾ ਔਰ ਕਈ ਅਨਯ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਏਵਮ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਮਹੰਤੋ ਸੇ ਛੀਨੇ ਗਏ। 1925 ਮੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੁਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਦੀਏ ਗਏ। SGPC ਕਾ ਗਠਨ ਹੁਆ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਏਕ ਟ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨ ਬਨ ਗਯਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜੈਸੇ ਸਤੀ ਏਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਥੀ ਮੁਗਲੋ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਲੇਟਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਰਿਚੁਅਲ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਵੇਅਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਡੋਜ਼ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਪੁਸ਼ਡ ਐਂਡ ਬਰਨਟ। ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਏਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਸੋਚ ਕਿਆ ਥੀ ਵੋ ਹਮੇ ਸਮਝਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੂਪੇਣ ਉਦੇਸ਼ ਸੇ ਸਿੱਖੋ ਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਘਟਨ ਨਿਕਾਲਾ ਗਯਾ। ਯੇ ਸਭ ਕਰਨੇ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਯੇ ਕਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ। SGPC ਕੇ ਤਤਵਾਵਧਾਨ ਮੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਨਏ ਸਿਰੇ ਸੇ ਲਿਖਾ ਗਯਾ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਛਾਈ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮੇ ਸੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਲਗ ਕੀਆ ਗਯਾ। ਨਏ ਨਏ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਲੇਨ ਕੈਰੇਕਟਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇ ਘੜੇ ਗਏ। ਅਗੇਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਟਾਰਗੇਟਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਆ ਜਾਣੇ ਲਗਾ। ਗੰਗੂ ਬਾਮਨ ਔਰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਨੀਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਰਖਵਾਨਾ, ਜਿਸਕਾ ਇਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਥਾ ਯਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਉਸੇ ਕੀਆ ਗਯਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਐਸੀ ਸੋਚ ਕੋ ਫੈਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਸਤੀ ਦਾਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਯਾਲ ਆਦਿ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨੋ ਕੋ ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਬਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਆ ਗਯਾ, ਜਬਕਿ ਇਨਕੇ ਵੰਸ਼ਜ ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇ ਭੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਜਿਸਕਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਵਾਸ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਮੁਗਲੋ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਉਸੇ ਪਕੜਵਾਇਆ ਗਯਾ ਥਾ। SGPC ਆਜ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਬਤਾਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੇ ਬੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਯਾ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ। ਮੈਂ ਯੇ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਮੁਝੇ ਭੇਜਾ ਗਯਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਨਿਰਮਲੀ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਥੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਏਵਮ ਵਿਧਾਂਤ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੇ ਸਮਰਪਿਤ ਥੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਤੱਕ ਕੋ SGPC ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਨਕਾਰ ਦਿਆ। ਸੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਐਸ ਪਰ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ SGPC ਇਜ ਅ ਵਿਲਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਮ ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਥੇ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਥੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਕੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਥੇ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ। ਇਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਏ।
यह सभी अखाड़े आज भी महंतों द्वारा संचालित है और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आनंद मैरिज एक्ट पास कर सिखों के लिए अलग से विवाह पद्धति आरंभ की गई, अन्यथा 1920 से पहले तक हिंदू पुरोहित ही सिखों की शादी कराते थे। सिखों घरों में विवाह आदि वैदिक संस्कार करवाए जाते थे, बट ऑब्वियसली आफ्टर 1920 देयर वाज आनंद मैरिज एक्ट दैट वाज पास्ड। पर मैक्स ऑथर मेकलिफ की नीति, जिससे एक अलग खालसा सिख पंथ की नींव पड़ी, शायद परिणाम था खालिस्तान आंदोलन। बब्बर खालसा उग्रवादियों ने करीब आई थिंक 50,000 निर अपराध हिंदुओं की हत्या करी। अवसरवादी राजनीति के चलते इन हत्याओं को इस देश ने ऑब्वियसली भुला दिया। सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको आप उठाकर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें हरि शब्द 8,000 से भी अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। वहीं राम शब्द 2500 से अधिक बार, जबकि वाहे गुरु शब्द मात्र 17 बार गुरु ग्रंथ साहिब में है। और अब सिखों ने इसे अपना गुरु शब्द मान लिया है, तो ये दिखाता है कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज वेरी डेंजरस गेम, एंड पॉलिटिक्स करने वाले लोग कैसे रिलीजन के सहारे लोगों को एक दूसरे में झगड़वाते हैं। सिक्स वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हिंदूज, मगर सिखों को ऑब्वियसली ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई बाय पीपल लाइक मैक्स ऑथर मैकलिफ। एंड ऑब्वियसली देर इज दिस सर्टन काइंड ऑफ एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण्स थॉट प्रोसेस अमंग सर्टन सिक्स हु बिलीव इन दिस खालिस्तानी मूवमेंट स्टिल इन द वर्ल्ड। नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਤ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ।